देवभूमि उत्तराखंड में देर रात से भारी बारिश आफत बनकर बरस रही है। बारिश के चलते कर्णप्रयाग टिहरी गढ़वाल में भारी नुकसान हुआ। कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए तो कई मवेशियों के जिंदा दफन होने की सूचना प्राप्त हुई है। उधर आज पर्वतीय जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। मौसम विज्ञान ने राजधानी देहरादून पौड़ी नैनीताल चंपावत ऊधमसिंह नगर बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। टिहरी जिले के बलहंगना ब्लॉक के क्षेत्र में बीते रात को भारी बारिश आफत बनकर बरसी। रात 2 बजे के लगभग बारिश से घुत्तू विलंगना में भारी नुकसान हुआ और कई मवेशियों के जिंदा दफन होने की सूचना प्राप्त हुई है। घुत्तू और आसपास के लगभग 8 से 10 गांव में अतिवृष्टि से जगह जगह भारी भूस्खलन भूदशा हो गया, जिस कारण जगह जगह सड़कें बह गई। कई पुलियां भी आपदा की चपेट में आ गई। घुत्तू देवलिंग में भारी से भारी नुकसान हुआ है। कई मवेशियों के जिंदा दफन होने की सूचना प्राप्त हुई है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य केदार ने बताया कि अतिवृष्टि से लगातार करीबन 15 से 20 गांवों में अतिवृष्टि से पुलिया घाट गदेरी उफान पर है। कर्णप्रयाग में भारी बारिश से नुकसान हुआ। कई वाहन और घर मलबे की चपेट में आ गए। बंधाणी गांव में 4 घरों के अंदर से पानी निकल रहा है। रात 3 बजे से लोगों में दहशत बनी हुई है। ऐसे में गढ़वाल तक की टीम आपसे निवेदन करती है कि आप अपनी और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें।